नमस्कार दोस्तों, मैं काला नैन आप सभी का स्वागत करता हूं जी आपके अपने YouTube चैनल और Facebook पेज पे। आप सभी भाइयों का स्वागत है जी। तो देखिए लगातार एक से एक शानदार पशुधन की फील्ड से वीडियो लेके आ रहे हैं जी। आप देख सकते हो, देखिए काफ़ी बड़े साइज की भैंस बिल्कुल आज देख पाओगे, बिल्कुल एक आम पशुपालक के घर से वीडियो शूट कर रहे हैं। देखिए काला सोना यानी ब्लैक गोल्ड आप देख सकते हो। देखिए काफ़ी शानदार मुर्रा का पशुधन। जब भी किसी आम पशुपालक के घर ऐसे ऐसे मुर्रा के नायाब नगीने मिलते हैं तो बिल्कुल दिल खुश होता है। तो देखिए लंबाई ऊंचाई की बात करें तो काफ़ी एक्स्ट्रा पूरे शरीर पे आप देख पाओगे। तो देखिए नसें बिल्कुल बारीकी से बिल्कुल पतली चमड़ी, और साइज की बात करें तो बिल्कुल बुलों को टक्कर देने वाली भैंस जी। आप देखिए पीछे से पीठ पुठा की क्वालिटी की बात करें या किसी भी तरीके से वो आप देख सकते हो। चेहरा मोरा की क्वालिटी की बात करें वो भी क्लियर आप देख सकते हो। एक छोटी अथनी की आज वीडियो शूट कर रहे हैं जी। आप देख पाओगे काफ़ी शानदार मुर्रा का नायाब नगीना भाई के और पशुधन है जो उस साइड है, इसीलिए थोड़ा और पशुओं के कारण भैंस अंदर जाने के लिए तंग है। तो देखिए काफ़ी अच्छी वीडियो होने वाली है आज। जो भाई ब्रीडिंग के लिए स्पेशल भैंस की डिमांड करते हैं कि हमें ब्रीडिंग के लिए भैंस चाहिए, तो आज उसी तरीके से ब्रीडिंग की भैंस की आपके लिए वीडियो लेके आए। आप देख पाओगे तो देखिए नीचे से अगर आपको दिखाऊँ तो देख पाओगे तो देखिए अर्डर की क्वालिटी, थनों में स्पेसिंग, अर्डर के ऊपर उभरी नसें आप देख सकते हो। चेहरा मोरा की क्वालिटी, रिंग सिंग आप देख पाओगे काफ़ी अच्छी ब्यूटी की जोटी है जी। लंबाई एक्स्ट्रा काफ़ी ज़्यादा लंबाई है। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि एक बूलों को टक्कर देने वाली जोटी बूल, इसीलिए जो छोटी अथनी बोली है भैंस के लिए कोई कम शब्द नहीं है। अगर नज़दीक आके आप देखोगे तो देखिए काफ़ी बड़े साइज की लंबाई की ऊंचाई की काफ़ी बेजोड़ भैंस है। तो एक एक डिटेल हो भाई से लेंगे, तो आइए भाई साहब एक बार। तो राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब। तो भाई जी सबसे पहले तो अपना नाम एड्रेस कन्फर्म कराओ एक बार। मेरा नाम रवि, गांव सुलेड़ा, डिस्ट्रिक्ट नरवाना, डिस्ट्रिक्ट नरवाना, जिला जींद। तो देखिए रवि भाई है सुलेड़ा गांव से, जो अपने दमतान साहिब गांव से कुछ ही लगभग 5 से 6 किलोमीटर दूरी पे सुलेड़ा गांव से वीडियो शूट कर रहे हैं। इस गांव से पहले भी काफ़ी अच्छे अच्छे पशुधन निकल के गए हैं, तो आज फिर आप देख पाओगे देखिए काफ़ी शानदार मुर्रा का नायाब नगीना यानी काला सोना की वीडियो भाई के लिए घर से लेके आए हैं। बिल्कुल एक साधारण किसान यानी आम पशुपालक के घर से। तो भाई साहब अपना कॉन्टैक्ट नंबर और बताओ साथ में। 97284। हाँ जी। 96096। तो रवि भाई साहब टोटल पशु अपने घर पे कितने हैं? टोटल पशु हैं 10 पशु। 10 पशु। तो आज वीडियो में ये एक ही जो रोटी दिखानी है आपने। हाँ, एक ही रोटी। तो कौन से ब्यांत में भी आई है भाई साहब आपकी बात? सेकेंड टाइम भी आई। सेकेंड टाइमर यानी दूसरे ब्यांत में? दूसरे ब्यांत में। तो देखिए दूसरे ब्यांत में आप देख पाओगे दूसरे ब्यांत की जो टीचेरा मोरा और सिंगों की क्वालिटी की बात करें तो बिल्कुल एक शो क्वालिटी यानी कंपटीशन लेवल की जोटी। देखिए साइज की बात करें या किसी भी तरीके से देख पाओगे शायद ही ऐसी जो मुर्रा की जोटी देखने को मिले। काफ़ी जो प्योर मुर्रा करेक्टर, चेहरे पे मासूमियत आप देख सकते हो। तो दूसरे ब्यांत में ब्याही है भाई साहब अभी? हाँ, तो आज सुबह ब्याही है यानी अभी खीस में है। हाँ, खीस में बोल रहे हैं बोले में। तो आज सुबह कितने बजे ब्याही है भाई साहब? ब्याही होगी 4-5 बजे। 4-5 बजे। हाँ। तो अभी शाम के लगभग 5 बजे वीडियो शूट कर रहे हैं। हाँ। तो देखिए शाम के 5 बजे वीडियो शूट कर रहे हैं, तो अब की बार दूसरे ब्यांत में ब्याही है भाई साहब? हाँ, पहले ब्यांत में अपने पास थी या लेकर आए थे? ना, अपने पास थी। पहले ब्यांत में भी अपने पास थी? हाँ। तो उस टाइम इसने पहले ब्यांत में कितना दूध दिया भाई जी? इसने 16 लीटर दूध दिया पहले ब्यांत में। तो उस टाइम इसके नीचे कटड़ा था या कटड़ी थी? कटड़ी थी। तो वो सेल कर दिया अपने ही पास है? अपने पास है। तो पिछले ब्यांत की जो कटड़ी है उसकी भी मैं साथ में क्लिप ऐड कर रहा हूँ, आप देख सकते हो। जो पिछले ब्यांत की कटड़ी है वो ये देखिए जो अभी स्क्रीन पे क्लिप चल रही है, ये पिछले ब्यांत की कटड़ी है। काफ़ी अच्छी कटड़ी, ऊंचाई लंबाई की बात करें तो कटड़ी की भी काफ़ी अच्छी है देखिए बिल्कुल। तो जो पिछले ब्यांत की कटड़ी है भाई साहब उसका भी पता कौन से सिमन गया? वो अर्जुन कुंगड़ के सिमन की पहले वाले। हाँ। जो पिछले ब्यांत कटड़ी थी वो अर्जुन जो अभी कटड़ी है ये भी अर्जुन कुंगड़ के सिमन। और जो अभी ये बच्चा आप देख सकते हो, देखिए भाई ने बताया जो अर्जुन कुंगड़ का ये भी, तो ये कटड़ी आई है भाई साहब अब की बार फिर कटड़िया। हाँ, अब की बार फिर कटड़ी। तो देखिए अब की बार फिर कटड़िया। ये कटड़ी की क्वालिटी आप देख सकते हो, देखिए भैंस की तरह काफ़ी ज़्यादा लंबाई है कटड़ी की, काफ़ी शानदार पूंछ की बात करें तो कटड़ी के आप देख पाओगे देखिए पूंछ ही जो सफ़ेद वाला पूंछ में आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन कटड़ी की जो एक ही दिन की कटड़ी हुई है लगभग 12 घंटे की, तो आप देख पाओगे काफ़ी भारी भरकम की कटड़ी है। और अब की बार भैंस देख पाओगे तो देखिए पूरे शरीर पे बिल्कुल बारीक चमड़ी नसें आप देख पाओगे काफ़ी शानदार, चेहरा मोरा क्वालिटी से लेके। तो अब की बार भाई साहब पहले ब्यांत में बताया आपने जो 16 किलो दूध दिया,
तो अब की बार कितने किलो दूध की उम्मीद है? अब की बार 20 लीटर से फालतू उम्मीद है, 20 से ऊपर उम्मीद है, 20 से फालतू काट देंगे। तो एक बार भाई साहब थोड़ा उस साइड चला के दिखाओ। तो देखिए खुल के चलेगी तो भैंस आप देख पाओगे जी, देखिए काफी शानदार चलते टाइम आप देख पाओगे। देखिए लंबाई पूरी भैंस को कवर करने के लिए काफी पीछे से कवर कर रहा हूँ, आप देख सकते हो। देखिए काफी भारी भरकम शरीर की, जैसे कोई बुल चल रहा हो इस तरीके से चली हुई है। देखिए लंबाई बिल्कुल डील डोल शरीर, नीचे से बात करें तो आप देख सकते हो काफी शानदार गमैले भाई जी। देखिए बहुत ही कम ऐसे ऐसे पशुधन जो देखने को मिलते हैं जी, देख सकते हो काफी अच्छी ऊंचाई लंबाई के साथ जो ऐसे ऐसे मुर्रा के नायाब नगीने आम पशु पालक के घर तैयार हो गए। फिर आगे कहीं भी जा करके देखिए चलते टाइम जो नीचे से एडर की क्वालिटी की बात करें तो वो भी आप देख पाओगे। देखिए पीछे से मैं आपको दिखाऊंगा तो आप देख सकते हो, देखिए बिल्कुल जो थनों में स्पेसिंग की बात करें या जो सीले एडर के साथ ऊपर से पीठ पुठा की क्वालिटी की बात करें, चौड़ाई क्लियर आप देख सकते हो। और साइड से मैं आपको दिखाऊंगा तो देखिए पूरे एडर पे जो नसें, ये देखिए जी आप देख सकते हो नसों का जो एडर के थनों की स्पेसिंग काफ़ी शानदार है। तो भाई साहब अब की बार सेल करने का विचार है या अगर रखने का विचार है? सेल करनी है हाँ। तो क्या रेट रहेगा भाई साहब फिर? रेट 11 लाख रुपए। तो देखिए 11 लाख रुपए रवि भाई ने डिमांड करी है जो 20 किलो दूध अब की बार भाई ने उम्मीद है। तो अगर कोई भाई लेने का इच्छुक है तो भाई साहब अपना वीडियो में एक बार कॉन्टेक्ट नंबर बताओ। 97284 हाँ जी 96096। तो देखिए रवि भाई का नीचे साथ ही साथ हमें जो कॉन्टेक्ट नंबर चलिया हुआ है, भैंस आपको जो दूसरे ब्यांत की जोटी बड़े बड़े बुलों को टक्कर देने वाली आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और कोई भी भाई लेने का इच्छुक है तो वीडियो में परमानेंट भाई का स्क्रीन पर नंबर चलिया हुआ है। और वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद।